हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट भाग 3। और आज करेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले प्रश्न। और जिस तरह से मैंने एपी का कंसेप्ट आपको लास्ट टाइम बताया था, सेम कंसेप्ट से आज हम लोग आगे चलेंगे। तो आज दो तरह के प्रश्न सीखेंगे, जिनमें से 7 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं कि आपको मूलधन पता होगा, किस्त कैसे निकाला जाए। बस एक आखिरी टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस्त पता होगा तो मूलधन कैसे निकालें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से रहेगा ये आप देख लीजिए। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यदि 848 रुपए का ऋण 4 वर्षों के लिए 4% की साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया गया, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन हो जाए, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। 848 रुपए का ऋण यानी जो भी हमारा डेट होता है वो हमारा 848 रुपीज है। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज 848 रुपीज एंड टाइम इज 4 ईयर एंड परसेंटेज, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 ईयर। देन फाइंड इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आपको निकालना है, जिसे इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट कहा जाएगा। आई होप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे कोई भी आपको शॉर्टकट बताने वाला नहीं हूं। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं ना, और एपी के हेल्प से बना रहे हैं ना, तो एपी के कंसेप्ट से ही बनाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट या अल्टरनेटिव भी कुछ किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, आज एपी से ही मजा लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले 4 वर्ष है और ये 4% है, तो मान के चलिए 100% था फर्स्ट ईयर में, 1 ईयर में, ठीक है। और ये 4 साल है, तो जो बच्चे मेरा एपी वाला एसआई नहीं देखे वो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। अब आप सभी बच्चों को पता है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक गैप सेम होता है, ठीक है, पिछले क्लास की तरह। अब पिछले क्लास में जो था ना, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहता था, बस आपको यहां और यहां का पता होता था तो डी निकालना पड़ता था। अब सोचिए, जब मेरे को आर दिया हुआ है 4%, और सपोज आपने प्रिंसिपल को 100% लेट किया हुआ है, तो हमेशा याद रखना है कि यहां पर अगर ये 100 होगा तो डी का काम कौन करेगा, ये 4 ही करेगा, क्लियर। जो हमारा आर होगा, डी फॉर डिफरेंस, क्लियर। अब क्या करना है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, ये 100 है तो अगला वाला इससे 4 ज्यादा होगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 104%। क्यों भाई, क्योंकि एपी में होता है साधारण ब्याज। अगला वाला इससे फिर 4 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 108%। और फिर अगला वाला इससे 4 बार ज्यादा होगा तो 112%। क्लियर हो गई बातें, 4 साल तक क्यों लिखे हुए, बिकॉज क्वेश्चन हमारा जो है ना 4 साल का ही है। अब ये टोटल को यदि जोड़ दिया जाए तो ये टोटल प्रिंसिपल कहलाएगा, तो एकदम आराम से जोड़िए। देखिए सभी में 100 है ना, तो 100, 200, 300, 400, तो 400 तो भैया आएगा ही, बाकी को जोड़ते हैं 12, 8, 20 और 4, 24, तो 424% का वैल्यू हो गया 100। अब मुझे बताइए, ये परसेंट में हमारा प्रिंसिपल है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 848। जो धन उधार लेते हैं उसी को तो प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी यहां पे कितना लिख देंगे, 848। अगर आप कैंसुलेशन जानते हो तो बड़ा ही आराम से ये वाला कट जा रहा 2 टाइम्स में, और इसे क्रॉस कर दीजिए, बस ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं याद है, बट निश्चिंत रहिए ये एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। आशा करते हैं पहले क्वेश्चन में ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, आपने आइडिया गेन किया होगा, समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है। मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो ट्रिक्स के पीछे पूरा मार्केट में भाग रहे हैं, सर छोटा करो, ये करो, वो करो। आप बस एक बार सोचिएगा कि क्या वो तरीका आपको बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगा। यदि हाँ तो भाई उसी को पढ़िए, और ऐसा कुछ पढ़ें, चाहे मेरे से या कुछ अच्छे टीचर, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे दे रहे हैं, कुछ ऐसा पढ़ें जो ज़्यादा दिनों तक याद रहे। और ये जो मैंने ऐसा तरीका जो बताया ना, ये आपको काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी के साथ जाइए, ज्यादा अच्छा होने वाला है। चलिए अब जो मेरे 6 क्वेश्चंस बाकी हैं इसी पैटर्न पे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा, देखिए प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, रेट पता है,
और साधारण ब्याज पर लिया गया किस्त निकालना है। तो वही क्वेश्चन है, एकदम प्यार से जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। शुरू में 100% होगा, फिर कितना कितना करके बढ़ेगा, जितना डी है यहाँ पे, डी कितना है 5%, बढ़ाते जाइए ना भाई, 5 जोड़ देंगे प्लस, फिर इसमें 5 जोड़िए 110%, फिर इसमें 5 जोड़िए 115%। अब ये सबका टोटल किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर, 6450। आराम से जोड़िए, 400 का तो 400, यहाँ 400 का 400 आया, 15 और 10 25 और 5 30% का हो गया 100, 6450। अब ये 0 0 कट जाएगा और बाकी आप क्या करो, जो बच्चे कमजोर है इसको इससे डिवाइड कर लीजिएगा, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर इज 1500। वेरी वेरी सिंपल, आंसर इज 1500। क्लियर है, आइडिया क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो मतलब क्या है ना, ये एक अप्रोच जो है, ये भूलने वाली बीमारी, मतलब जो है ना आपके, वो भूलने नहीं देगा, बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगा जब तक आप एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैंने एक अच्छा कंसेप्ट बताया हुआ है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। ओके, फिर से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां भी 4 साल ही है, 5%, या तो आप पहले वाला ही क्यों लिख लो, नहीं तो फिर से मैं बनाता हूं, 100%, 5 5 बढ़ते जाएगा, 110% और 115%, वही वाला है जो इसका पीछे बनाए थे, बस इस बार ये वाला ग्राफ चेंज हो गया है, ठीक है। 4 बार 100 लिखा हुआ है तो 400 15 10 25 और 5 30, ये तो यार वही रहेगा, परसेंट का 100 हो गया, ये हो गया 19350, ये और ये कट गया। फिर से सारे बच्चे क्या करिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको जब आप काटिएगा तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, और बाकी जो बचेगा, मुझे लग रहा है यूनिट प्लेस से 5 आ रहा, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, आंसर कितना हो गया 4500। वेरी वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। जो बच्चे एकदम कमजोर है ना, वो कभी टाइम के पीछे शुरू शुरू में एकदम मत भागिए, आप कंसेप्ट बनाइए, टाइम तो यार अपने रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, शायद चौथा क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए इस बार परसेंट यार बदला है, बहुत अच्छा है, परसेंट बदल बदल के ही मैथ है तो अच्छा है। चलिए शुरुआत कैसे करते हैं, 100% से। अब डी का मान कितना है, ये डी का मान हो गया, सब पे 7 7 बढ़ाइए, यहाँ 107%, फिर 7 बढ़ेगा 114%, फिर 7 बढ़ेगा 121%, सबका टोटल कितना 2210। क्लियर है सब लोगों को, 100 में 7 बढ़ा, 7 7 14, 14 7 21, 400 तो फिर से आएगा क्योंकि 4 साल है। अब जोड़ते हैं, 21 में 14 जोड़िएगा 35, 35 में 7 जोड़िएगा 42, तो कितना हो जा रहा, 442 डिवाइड ऑफ 100 इक्वल टू 2210। क्लियर। अब यहां पे देखिए, मैं इसको नॉर्मली अगर कोई बच्चे ऐसे काटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये देखिए एकदम प्यार से ऐसा मैंने जानबूझ के ऊपर वाला काटा ताकि ये इजिली कट जाए, तो क्रॉस कर दीजिए, आंसर इज 500। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा और सिंपल इंटरेस्ट का टेंशन धीरे धीरे गायब ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये है, देखिए 4 साल और 5%, फिर यार दोबारा मिल रहा है, ये जा नहीं रहा है, चलो इसको इस बार फिर से एक बार करके देखते हैं। हर बार 5 5 बढ़ेगा, ये मैं आप ही लोगों के लिए बार बार ना लिख रहा हूं, नहीं तो 430 आएगा, अपने को याद है 115, टोटल कितना 12900, जोड़िएगा तो 430/100, 12900, 00 काटिए, इसका से ये 3 बार में कट जा रहा है 30, तो कितना आंसर हो गया 3000, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, 3000 आंसर हो जा रहा, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ पा रहे हैं और बना ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा हुआ है ना, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2280, टाइम कितना है 2 ईयर, आर इज 16%, किस्त तो निकालना है। ये जो है इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो जरा ध्यान देगा, तिमाही लिखा है, तिमाही मतलब क्वार्टरली, क्वार्टरली, क्लियर। क्वार्टरली में सबसे पहले देखिए, तिमाही में रेट को बदलना पड़ता है, और रेट बदलना पड़ता है कैसे, 4 से डिवाइड करके, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 4%, और टाइम को क्या करना पड़ता है भाई, 4 से गुना करना पड़ता है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8%।
8% मैंने लिख दिया, 8 ईयर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, तो बड़ा ही कॉमन सेंस है, तिमाही मतलब 3 महीना, तो 4 साल में 3 महीना कितना बार होगा, सॉरी 1 साल में 3 महीना कितनी बार होगा, 4 बार होगा। इसलिए देखिए रेट तो वार्षिक होता है ना, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिए, और इसको क्या है 3 महीने के अकॉर्डिंग चेंज करो, तो तीन तीन कितना बार, 4 बार हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब चलिए मैथ करते हैं, शुरू में कितना मान लेंगे 100%, अब थोड़ा दूर तक चलना पड़ेगा ना, अब आपको पता है ना यहाँ पे ये 4 है, बार बार 4 बढ़ेगा, 8 बार लिखना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 104%। अब आप सोचो कि 108 क्यों लिखे, क्यों नहीं 8% लिख दे, क्यों नहीं 16% लिख दे, आपको पता है यार एक 108 है, ये 116 है, तो 100 तो है ही, उतना क्यों टेंशन लेंगे, फिर बढ़ेगा तो 8 बढ़ेगा कितना होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, इसको करेक्शन करते हैं, यहाँ पे 4 बढ़ा, 4 से 8 बढ़ा, अब 4 4 बढ़ेगा ना, 8 से 4 बढ़ेगा तो 12%, 12 से 4 बढ़ेगा 16%, 16 से 4 बढ़ेगा 20%, 20 से 4 बढ़ेगा 24%। उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा, और लिखना पड़ेगा क्या, देखिए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और प्लस 8 साल, क्लियर। अब इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2280 है ना, चलिए जोड़ते हैं, सब पे 100 है ना, तो 800 तो हो ही जाएगा, अब यार सबको जोड़ा जाए, ठीक है, इनको जोड़ने से कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, राइट, 8 4 12 दो दो 52, इनको जोड़ने से 62, 72, 72 और इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72 और 6 78, और 10 जोड़ दीजिए 88, इसको जोड़ देने से टोटल 100 हो गया, 100 में फिर आप जोड़िए, 100 मतलब सोचिए 900 चलो कर दिए, ठीक है, और 8 और 4 कितना हो गया 12, तो इतना अपॉन 100, 2280, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको काटते हैं भाई, 2 से काटे, नहीं 2 से नहीं 4 से काटो अच्छा रहेगा, 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8, 4 गुना 8 32, ठीक है, ऐसे ही करके मजे से काटना है, इसको काट दिया गया, ये कितना आ गया 250, क्लियर है। मुझे तो नहीं लगता भाई कि इसको छोड़ के दूसरा ट्रिक्स का जरूरत है, क्योंकि ये अच्छा से याद हो चुका है कि सर ऐसे ही करके बनाना पड़ेगा, है ना, याद हो चुका होगा, कुछ भी माथा पीटने का जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल पता हो तो किस्त कैसे निकलेगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए है, ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ता हूं होमवर्क के तौर पे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इन चारों में से क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो आपके लिए ये आपका टारगेट हो गया आज का, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप जरूर से कमेंट करेंगे। चलिए तो प्रिंसिपल वाला खत्म हो गया, प्रिंसिपल पता होने से किस्त कैसे निकलेगा, मैं आपके साथ एक लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूं उल्टा, और सपोज मैंने लिखा, अभी अपने को सपोज करिए किस्त पता है, किस्त पता है, लेट मैंने लिख लिया 700 रुपीज, और सपोज मुझे टाइम पता है 5 साल, और सपोज मुझे रेट पता है लेट 10%, आसान वाला क्वेश्चन ले रहे, ठीक है, अमाउंट और मेरे को प्रिंसिपल निकालना, मूलधन कितना होगा, तो मैं आने वाले टाइम में ना ऑप्शन के साथ भी लिखा जाएगा, तो यानी उसका रिवर्स क्वेश्चन है कि मेरे को इंस्टॉलमेंट पता है, टाइम पता है, रेट पता है, मूलधन कितना होगा, ठीक है, और आपको पता ही है मूलधन हम लोग का ज्यादा रहेगा, तो कैसे बनेगा देखिए। अब रह गई बात कि ये 10% दिया हुआ है, ये इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कैसे बनाएंगे एकदम प्यार से सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पे डी कैसे निकलेगा वो देखिए, डी कैसे करके निकाले, सबसे पहले ये 700 दिया हुआ है, और पहला काम क्या करते हैं 700 का 10%, ठीक है, 700 का 10% कितना हो जाएगा 70 रुपीज, अब ये जो निकला ना यही भाई हमारा डी हो गया। आशा करते हैं ये बात समझ में आया होगा कि जब किस्त दिया हो तो डी कैसे निकलेगा, ठीक है, जब मूलधन दिया रहता था तो डी क्या होता था, वो आर ही होता था, क्योंकि वहां ये 100% होता था, अब यहाँ पे ये 100% जो था ना, हम लोग को मूलधन पता ही नहीं है ना, इसलिए किस्त से मैंने क्या किया, पहले ये निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना भाई, फर्स्ट ईयर में लिखना है
इतना हम कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको 5 साल तक जाना है, डी कितना है 70, यानी सब पे 70 जोड़िए, इस पे 70 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 770, फिर 70 जोड़िए कितना हो जाएगा 840, फिर 70 जोड़िए कितना हो जाएगा 910, और एकदम प्यार से फिर 70 जोड़ दीजिए तो 980। काम खत्म, सारे को जोड़ दीजिए क्योंकि 5 साल का क्वेश्चन था, मूलधन अपने आप निकल जाएगा। तो ये हो गया 0, 8 1 9 और 4 13, 7 20, 2 बच गया, 7 2 9 7 16, 8 24, 9 33 और 9 42। सो आंसर इज 4200। तो उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंस्टॉलमेंट पता रहने से प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये आइडिया आपको लगा होगा कि अच्छा रहेगा। तो कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस मैंने एक आपको बताया कि डी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो किस्त का टेंशन खत्म हो गया, आने वाले टाइम में हम लोग डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।